जो साथी है वो भी आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। देखिए नरेश हमारे लिए चुनाव लड़ना चाहता था, वो निर्दलीय लड़े, वो घटना थी, ये कोई सामाजिक घटना नहीं, एक आम व्यक्ति गुस्से के अंदर होता है और थप्पड़ मार देता है, इस घटना को इतना तुल नहीं करना चाहिए। और अमित जो लड़का है वो मेरे नागौर एसडीओ के गया, वो बहुत प्रसिद्ध और हल्के दर्जे का लड़ा हुआ है, तो उसके लिए समाज उसके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं, होगी कुछ अधिकारी साथ हो सकते हैं, लेकिन नरेश को इतना दंडित करने की आवश्यकता है थप्पड़ को लेके, जिस तरह मीणाओं के गांव पे पुलिस ने अटैक किया, मीणा महिलाओं को पीटा, मीणाओं के बच्चों को पीटा, गलत गिरफ्तारियां की, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता, पुलिस शोभा भी जा सकती थी, लेकिन सरकार के इशारे पे नंगा नाच हुआ। मामला तो अमित और नरेश दो के बीच का था, मैं तो जाट मीणाओं का आइडिया आ रही है, वो परेशान था और उसने एक चांटा उसे जड़ दिया, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई 302 का आरोप या लोग जो मर्डर करके भी भाग जाते, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। आपको बताया राजस्थान में क्या क्या नहीं हुआ, उस समय पुलिस कहाँ गई थी, पुलिस रेड गई तो नहीं, लेकिन चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं घटी, थोड़ा निर्दोष लोगों को पकड़ा जाना ये कतई ठीक नहीं है, और नरेश को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना थप्पड़ के मामले में आईपीसी हमारी दंड देती, उसी ज्यादा दंड किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।